मैं आपको बता रहा था ना कि ये लब्बैक या ज़ैनब की सदा की अहमियत बता रहा था मैं। क्या है इसकी सदा की? लब्बैक या ज़ैनब की सदा जब शाम में बुलंद हुई ना, तो वहाँ से दाइश का खात्मा हुआ है। मेरे शहजादों, आज आप अपने मुल्क के पाकिस्तान में सिटी जामपुर में आप लब्बैक या ज़ैनब की सदा बुलंद कर रहे हो, तो इमाम ज़माना ने यहाँ पे भी हुकूमत करनी है और उनके नासरान में आप सबने शामिल होना है ना। तो बुलंद आवाज में कुव्वत के साथ लब्बैक या ज़ैनब या ज़ैनब या सलामत रहो, आबाद रहो। तुझसे ये वादा है ए मेरी बीवी, तेरे हरम को ना छोड़े कभी भी। है अपने दौर के मुख्तार या ज़ैना या ज़ैना, लबैकी भी मौला देख रहा हूँ कि कुछ बुजुर्गान माशाल्लाह मेरे आगे खड़े हुए जवान बच्चे ना, तो और बाकी जो पीछे खड़े हुए हैं लगता है थक गए आए थे कार्यक्रम में। चंद मिनट है यकीन करें, ये जो हाथ आपका बुलंद होगा ना, ये बुलंद होगा, यकीन करें यही बुलंद हाथ जब ज़हूर इमाम ज़माना होगा ना, तो इसी बुलंद के साथ हाथों से आप लब्बैक कहते हुए उनके लश्कर में शुमार होगा आपका। ये याद रखिएगा, ये आप अपने शहजादी कौनैन को लब्बैक कह रहे हो, मेरे उसमें नहीं है, मेरे ये इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने वक्त के इमाम से तजदीद अहद कर रहे हो और बीबी ज़ैनब को लब्बैक कह रहे हो कुव्वत के साथ। अच्छा, ये मिसरा बतौर ख़ास आप तमाम मोमिनीन की जानिब से इमाम को हदिया कर रहा हूँ। मेरी मिसरा सुनिएगा, क्योंकि आज बीबी सैयदा की विलादत का मौका है ना, तो उन्हीं के रोज़े की तामीर के हवाले से है ये मिसरा आपके नज़र पेश करूँ। दोनों हाथों को बुलंद करके, काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी ये मिसरा ऐसा है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हक अदा करें इसका। मिसरा आपके हजूर पेश कर रहा हूँ। दीवार या ज़ैना